हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ई लाभार्थी का ऑफिशियल वेबसाइट हम खोल के रखे हुए हैं। और आप सभी में से कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो ई लाभार्थी के वेबसाइट के बारे में नहीं जानते होंगे। उसका मुख्य रीजन ये है कि बिहार के सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय यानी कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जितने भी पेंशन वृद्धजन, विधवा, विकलांग और भी कई प्रकार के पेंशन है जो कि बहुत पहले से लोगों को मिल रहा है, इस वजह से ई लाभार्थी के वेबसाइट के बारे में अब हर कोई जानते हैं। और ई लाभार्थी के वेबसाइट के बारे में हम आप लोगों को ये बतला दें कि ई लाभार्थी के साइट को बराबर अपडेट किया जा रहा है। इससे पहले हम आप लोगों को बताए थे कि ग्रीवेंस रिड्रेसल करके एक नया टैब यहाँ पर ऐड किया गया था। इससे आप लोग पेंशन में किसी प्रकार का त्रुटि को यहाँ पर कंप्लेन करके उसे सुधार करवा सकते हैं और साथ ही उसका स्टेटस भी यहाँ से चेक ग्रीवेंस स्टेटस पर जाके देख सकते थे। तो फिलहाल हम इसके बारे में पहले बता चुके हैं और नया बात यह है कि अपडेट रिपोर्ट करके यहाँ पर एक नया बटन को यहाँ पर ऐड किया गया है, जिससे आप लोग अपडेट अकाउंट ऑफ पेमेंट रिटर्न बेनिफिशियरी का अकाउंट यहाँ पर, यानी कि जिन भी बेनिफिशियरी का पेमेंट रिटर्न हो रहा है अकाउंट क्लोज होने के कारण, अकाउंट गलत होने के कारण या अन्य किसी भी कारण से पेमेंट स्टेटस में पेमेंट रिटर्न करके अगर स्टेटस दिख रहा है तो उसे आप लोग यहां से आकर पब्लिकली कोई भी व्यक्ति यहां पर खुद से सुधार कर सकते हैं। उसके लिए यहां पर एक नया टैब को ऐड कर दिया गया है और साथ ही उसका स्टेटस देखने के लिए व्यू स्टेटस ऑफ पेमेंट रिटर्न बेनिफिशियरी करके, यानी कि दो ठो ऑप्शन यहां पर भी अवेलेबल है। जिस प्रकार से ग्रीवेंस रिड्रेसल में ऑप्शन अवेलेबल है एक आवेदन करने के लिए और दूसरा आवेदन का स्टेटस देखने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पे भी है एक अकाउंट को चेंज करने के लिए और अकाउंट का क्या स्थिति है, चेंज हुआ या नहीं, उसका स्टेटस देखने के लिए यहाँ पर व्यू स्टेटस ऑफ पेमेंट रिटर्न बेनिफिशियरी करके यहाँ पर दे दिया गया है। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं अपडेट अकाउंट ऑफ पेमेंट रिटर्न बेनिफिशियरी में क्या होता है। यहाँ पर देख लीजिए बेनिफिशियरी अकाउंट अपडेट करके यहाँ पर एक मेन्यू है, उसमें सर्च बाय बेनिफिशियरी आईडी अकाउंट नंबर और आधार नंबर करके यहाँ पर दिया हुआ है। सर्च करने के बाद आपको बेनिफिशियरी नेम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ उनका दिखेगा, बेनिफिशियरी के आधार कार्ड पर क्या नाम है वो दिखेगा यहाँ पर, आधार नंबर दिखेगा, ओल्ड अकाउंट कौन है पहले से वो दिखेगा और ओल्ड अकाउंट का आईएफएससी कोड जो भी है बैंक का वो दिखेगा यहाँ पर, और नया अकाउंट जो भी अपडेट करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पर आपको फिल करना होगा और यहाँ पर आप लोगों को पासबुक को अपलोड करना होगा जो कि 200 KB से कम में अपलोड कर सकते हैं, जो कि अकाउंट का फर्स्ट पेज रहना चाहिए जिसपे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और लाभुक का नाम बहुत ही स्पष्ट रूप में दिखना चाहिए, उसे आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास अभी कोई भी ऐसे बेनिफिशियरी नहीं है जिसका पेमेंट रिटर्न हो रहा हो किसी भी कारण से हो, जैसे अकाउंट क्लोज हो गया, अकाउंट नंबर गलत है या अन्य और भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण से बेनिफिशियरी का पेमेंट रिटर्न होता है, सिर्फ उन्हीं का यहाँ पर सर्च हो सकता है। तो बहुत जल्द हम आप लोगों को ये ऑप्शन किस प्रकार से वर्क करता है उसके बारे में बतला देंगे। फिलहाल तो अभी इस बटन को यहाँ पर ऐड किया गया है, लेकिन बाद में ये भी हो सकता है कि इसे यहाँ से हटा भी दिया जा सके। तो जैसा भी हो, अगर बटन यहाँ पर रहता है तो उसके बारे में हम आप लोगों को पूरा डिटेल जानकारी दे देंगे, जो किस प्रकार से ये वर्क करता है, किस प्रकार से स्टेटस देखना है, पेमेंट रिटर्न किस प्रकार से जाता है बेनिफिशियरी का, वो भी हम दिखला देंगे। अगर यहाँ से बटन हट गया तो फिर उसका कोई बात है नहीं। इसी तरह के हर एक नए अपडेट को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर कभी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।